पूर्णिया में गंगा जमुना सभ्यता की मिसाल दो दोस्त कायम किए हुए हैं, जिनका किस्सा दूर दूर तक मशहूर है। दोनों दोस्त को राम रहीम की जोड़ी पूर्णिया में मानी जाती है। दोनों दोस्त में एक ब्राह्मण है तो एक मुस्लिम है। यह दोस्ती और निखर कर आता है जब ईद और रामनवमी का समय आता है। ईद में अनंत भारती तौफीक आलम के साथ मस्जिद तक जाते हैं और सबसे पहले गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। वहीं तौफीक आलम भी रामनवमी में उनके साथ जुलूस में शामिल होकर अनंत भारती के खुशियों में शामिल होते हैं। आज दोनों ने एक दूसरे को सेवई खिलाकर एक बार फिर देश में अमन चैन भाईचारा कायम रखने की दुआ मांगी। बताएं कि ये आप लोगों का राम रहीम का जोड़ी माना जाता है पूर्णिया में, जी जी, तौफीक भाई के यहाँ आए हैं, दिन क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्णिया वासियों को? देखिए, ईद का जो पर्व है यह महापर्व है और यह वस्तुतः आपसी प्रेम और भाईचारे का पर्व है। ये सारी दुनिया जानती है इस चीज़ को। और जहाँ तक तौफीक के साथ है तो हम लोग तो बचपन के मित्र हैं, जिला स्कूल में साथ साथ पढ़े, साथ साथ बड़े हुए, एक थाली में खाने वाले हैं। इनका परिवार मेरा परिवार, कोई अंतर ही नहीं है। और साथ साथ पार्टी में, हालांकि ये हमसे सीनियर था, विद्यार्थी परिषद ये ज्वाइन किया था, लेकिन भाजपा में इसको हम जोड़े तो या भाजपा में लगातार जो है 12 साल तक जिला उपाध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, और हम जो है लगातार जो है नगर अध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष अभी दो टर्म से हैं। तो हम लोगों का एक ऐसा बॉन्डिंग है ना, और पूर्णिया के लोग सही में कहते हैं, आपने सही कहा कि पूर्णिया के लोग ये जानते हैं कि तौफीक अनंत जो है वो एकदम भाई है। और अब राम और रहीम तो नहीं है, वो तो बहुत बड़े महापुरुष से, उनके हम लोग चरण धूली नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोगों का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बॉन्डिंग है। और समाज के हित में हम लोग, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, रामनवमी शोभा यात्रा हो, चाहे जो है वो आपको मुहर्रम का सवाल हो, चाहे वो दीपावली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, हम लोग सब लोग एकदम बढ़िया से मनाते हैं और बहुत अच्छा। मेरा पूर्णिया महान है, पूर्णिया बहुत अच्छा। तो भाई, आप दोनों की जोड़ी पूर्णिया में लोग मिसाल देते हैं, अभी चुनाव का समय है, क्या एक संदेश देना चाहते हैं पूर्णिया वासियों को? देखिए, संदेश की बात जहाँ तक है, जो मैं सुबह में नमाज़ पढ़ने भी गया था तो वहाँ हमारे इमाम की एक अलग जगह होती है जो हम लोग को नमाज़ पढ़ाते हैं। तो नमाज़ में जब दुआ होती है तो दुआ में यही होती है कि हमारा मुल्क में अमन चैन रहे, हमारा मुल्क बहुत तरक्की करे, हमारा मुल्क सबसे ऊँचा हो। क्योंकि हमारे कुरान में भी लिखा है, जो अगर भारत में है, जो हिंदुस्तान में रहता है, अपने देश में रहता है, वो अगर अपने देश से प्यार करता हो तो सबसे बड़ा इस्लामिक लोग वही है। यानी कि हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता है। और हम यही चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में, समस्त हिंदुस्तान में लोग जो ईद का त्यौहार लोग जिस तरह मनाते हैं, इसमें अमन चैन मोहब्बत प्यार सिर्फ और सिर्फ यही है, और इसी के साथ रहें लोग और आगे बढ़ते रहें, हमारा वतन आगे बढ़ता रहे, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। देखिए सर, एक चीज़ बोलूँगा मैं, वस्तुतः देखिए अंतर कुछ नहीं है सर, समझदारी का बहुत बड़ा अंतर है, गैप है जिसको कुछ लोग भड़काते हैं, कुछ नहीं है सर। हम कहते हैं अपने युवा साथी को, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, देखिए इस्लाम के पांच सिद्धांत धर्म में भी क्या कहा, वही कह रहे हैं मैं आपको कि सर, आज हम पूछ रहे थे तौफीक से, तौफीक ये लोग जो कब्रिस्तान में जो ये क्या कर रहे हैं बताओ हमको। तौफीक बताया एकदम वही, जैसे हम लोग पितर को देते हैं, गया जाते हैं पितर को करते हैं याद, वैसे सारे लोग आज आप देखे होंगे सुबह में कब्रिस्तान में देख रहे होंगे, सब लोग याद कर रहे हैं, बात समझिए सेम है। आप देखिए पाँच सिद्धांत हैं इस्लाम के, मैं बताता हूँ मुस्लिम युवाओं को, हिंदू युवाओं को, कि नमाज पढ़ना, कलमा, रोज़ा, हज और जकात। जकात क्या होता है कि एक सच्चा मुसलमान अपनी साल भर की कमाई का 2.5% दान में देता है। तो हम भी देखिए नमाज में हम भी पूजा करते हैं, कलमा हम भी मंत्र पढ़ते हैं, रोज़ा हम भी उपवास करते हैं, जकात हम भी दान करते हैं, हज हम भी तीर्थयात्रा करते हैं। सर नहीं है अंतर, देखिए विषय को समझना पड़ेगा। इस्लाम जो है ना, या हिंदुत्व जो है अलग, मैंने उस रूप में देखिए नहीं है। हिंदुत्व क्या, हिंदू कोई धर्म भी नहीं है, मैं ये भी बताता हूँ। 1995 का आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देख लीजिए सर, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व इज़ द वे ऑफ लाइफ। और मैंने भारत का हर आदमी हिंदू है इस रूप में, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, मेरी नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की फाइंडिंग है, आप देख लीजिए उसको। तो लोग समझ नहीं रहा है विषय को, यह सनातन है, इसको किसी ने बनाया नहीं, और इसी से सब हम लोग निकले हैं, सब भाई हैं। और यहाँ चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो सिख के हों, चाहे वो ईसाई के हों, चाहे पादरी हों, सब लोगों का यहाँ भारत की महान संस्कृति में सबकी पूजा हुई है, सबको संरक्षण मिला है, हमसे ज़्यादा सहिष्णु कौन हो सकता है। एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा आपको, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है। हम जिस बिहार में रहते हैं, वहाँ बिहार में जितने 40-39 जिले हैं, आप उसमें देख लीजिए आसपास के ज़िले, चाहे वो किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, कहीं भी हो, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फल्का आपस में कुछ ना कुछ बैर होता है। लेकिन आप यकीन मानिए, यहाँ ये पूर्णिया है,
अगर यहाँ लोग ईद में मिलते हैं तो यहाँ लोग रामनवमी में भी गले मिलते हैं, यहाँ लोग मुहर्रम में भी गले मिलते हैं, यहाँ लोग होली में भी गले मिलते हैं। तो पूर्णिया में ऐसा फिज़ा है, ऐसा माहौल है, इतनी मोहब्बत का माहौल है कि यहाँ लोग एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते सर। यहाँ एक दूसरे के साथ ही जीना है और यहाँ का माहौल को किसी का ताकत नहीं है कोई भी यहाँ के सौहार्द को कुछ ख़राब कर दे और ना कभी कर सकेगा। ये है पूर्णिया, ये है हम, हौ से हिंदू मौ से मुसलमान। हम शादी की धूम में चमकेगा आपका हर स्टाइल द बिग शॉप के साथ। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, सूट, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।